आप दोनों ने सिलाई की भी ट्रेनिंग ली है, हमने तस्वीरें भी देखी थी इंस्टाग्राम पे समय समय पे, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आप लोग मतलब बनाने में सक्षम हो चुके हैं सिलाई के दौरान? मैं पहले ये बता देता हूँ, मुझे सिलाई बुनाई के बारे में कुछ नहीं पता था. मेरे मॉम के पास एक स्टूडियो होता था फिनिशिंग टचेस पहले, तो सेइंग इट लाइक इट्स अ बिग रिवील, लाइक एज अ पीपल थॉट वरुण को ना सिलाई आती होगी, नहीं आती थी, मुझे नहीं पता था. पर एक शख्स है जिनको आई हैव टू गिव हिम फुल क्रेडिट, उनका नाम है नूर भाई, हु इज अ टेलर इन YRF. तो उन्होंने मुझे सिखाया है जो भी मैंने सीखा है, एंड आई एक्चुअली स्पेंट, बिकॉज शरद वॉज वेरी पैरानॉइड अबाउट दिस एंड मनीष ऑल्सो, कि तुम नहीं कर पाओगे यार, तुमको घुसना पड़ेगा इसमें, यू आर द वीकेस्ट पार्ट, तुमको ये सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. सो आई स्पेंट एक्चुअली गुड 2.5 months जस्ट लर्निंग एवरी डे स्टिचिंग, वॉट टू डू, हाउ टू डू, बिल्डिंग अप द स्पीड, गेटिंग द सिंक्रोनाइजेशन विद द लेग एंड हैंड. और पहले तो यही सीखना पड़ता है कि धागे को आप सुई में डालते कैसे हो. कई बार नहीं जाता है तो आपको काटना पड़ता है कैंची से, तब वो टिप बनती है और तब जाती है. तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना माहिर हूँ इन चीज़ों में. मैंने बुनाई की है, एम्ब्रॉयडरी करी है, सिलाई नहीं करी. मुझे बहुत मज़ा आया एक्चुअली बचपन में. ऐसे मैं दादी वो बहुत क्रोशे एम्ब्रॉयडरी बहुत किया करती थी, उनकी इनफैक्ट दुकान भी है देहरादून में, वहाँ पे जाके प्लीज जाके स्वेटर खरीदिए. सो शी यूज टू डू क्रोशे एम्ब्रॉयडरी. माई मदर हैज़ लर्नड ऑल्सो, सो माई मम इज़ वेरी गुड विद लाइक सिलाई एंड यू नो एम्ब्रॉयडरी. इनफैक्ट वो सिलती भी थी कपड़े. तो कहीं ना कहीं आई फील लाइक उनको देख देख के यू नो वो होता है, सम काइंड ऑफ अ मेमोरी इज देयर. सो व्हेन आई स्टार्टेड टू डू एम्ब्रॉयडरी, I think I picked it quite quickly. I think Sharath was very impressed with my initial skills of doing embroidery. And even the, I don't think they used me enough doing embroidery in the film. I felt like I worked too hard and like not enough. Like I want to, usse toh mera heart toot gaya. Something known as block printing, if you guys know. Wo toh matlab, mera haath matlab literally like, remember I had a blue marks on my hand because you have to keep putting it and thadak. Kyunki inhone 3 ghante lagatar wo karti gayi. Matlab she was obsessed. Ho gayi thi. She didn't come back only to us. Yeah. And we called back. What are you doing? And my hands are turned blue. And you have to put it precisely so that it looks like one single print, you know. And it's very difficult. So I think what's happened with Varun and me, which is such a great thing about being an actor, is because of films that we do. And we're so happy that we get films like, you know, what Manish and Sharad have offered us, that you get to know about something that you don't know about otherwise. Like what a life of a tailor would be. How much skill does it require? What different kind of arts, handicrafts and art is there in this country. You get to do it, you get to learn it. So your appreciation and value for it increases on another level. You know, so your awareness increases. So I'm very happy that, you know, you guys offered this film to us, because not only do we feel proud to be part of this film, but also to learn all that we have through it. Hello, this is your look of humility. Manish's look of humility. हेलो, दिस इज साक्षी फ्रॉम बॉलीवुड नाउ. माय क्वेश्चन इज कि इस फिल्म में बात की गई है आर्थिक तंगी की, तो क्या आप दोनों की लाइफ में ऐसा कभी कोई फेज आया जिसमें आपको थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई? आई थिंक नो, आई रिमेंबर वन पीरियड, नॉट दैट अभी जब से मैंने काम शुरू किया है तो टच वुड आई हैव नॉट हैड अ इशू, बट आई थिंक देयर वाज अ पीरियड इन माय फादर्स करियर जब उनकी 4 फिल्म एक रो में फ्लॉप हुई थी, एंड दो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेकर्स ऑफ आर फिल्म इंडस्ट्री, बट दैट वॉज वेरी शॉकिंग. एंड होता है ऑब्वियसली, योर प्राइस ड्रॉप्स, यू कैन चार्ज द अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन यू चार्ज, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल चेंज. एंड वी वर प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस एट दैट टाइम, तो वो कैंसिल हो गया था, ये सब. इट वॉज अ सडन चेंज, एंड मेरे जो पिताजी है वो बड़े ही हम्बल बिगनिंग से आए हैं, यू नो. इवन जब मैं पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन अ 1-bedroom फ्लैट. So before we moved into something big, जब ये झटका आया था हमारे लाइफ में, आई वॉज टू स्मॉल, बट आई स्टिल रिमेंबर माई मदर टेलिंग अस दैट यू नो नाउ यू कांट थिंक कि या जो चाहिए वो मिल जाएगा. मैं ऐसा पूछता नहीं था, बट ऐसा आई वाज अ हम्बल चाइल्ड ओनली लाइक मनीष, बिल्कुल जैसे मनीष अभी है. Yeah, I come from a typical middle class family. My father was in the army. The salary was, you know, not much, but of course, my parents tried to give us everything that they possibly could. Manish knows my parents very closely. He knows the amount my mother has, you know, done to get to where I am today. So just to give an example, and because it's close to home in terms of Sui Dhaga, there was one time that I had to participate in a dancing, like a dance thing in school, competition in school, and the school was asking for a certain fee that you have to pay for the clothes.
So I was so excited that I was chosen to be part of this, and I went to my mom and I said ki mujhe choose kiya and all that. She was very happy, and my dad also was, but then she said ki how much are they asking for. Then I told her kitna price tha. So my mom's like, no, we can't pay this right now, humko ye hai, papa ne abhi ye loan liya hua, we have to pay for all of these loans, nahi kar sakte. And I was so devastated ki mereko itni badi opportunity milti, and you don't realize it as a child what all your parents are doing to put you, you know, where they are. But despite that, my mom did not, you know, let my opportunity go wasted. Unhone khud baith ke raat bhar sila tha. So I think there's a picture online also of that look of mine. I'm dressed as a nurse. That was the first time in seven ages of a man, I still remember. And she stitched the beret and she stitched the dress for me. And usi ke ek do saal baad ek sequence unhone ghagre ke upar ek gana tha, Ilarum ke gaane pe we danced in school. So sequence unhone mere kapde pe dali thi. So I know, you know, I have gone through that time where we did not have, you know, the kind of money that, you know, we have today and the kind of life that I can provide to my family today. But I guess I think your parents never let you see that. You never realize it till I got my first film. And I was driving back and suddenly I was like, ye to bahut hi zyada life change ho gayi hai. Like, wo jo feeling aayi thi na, wo suddenly, that's when it hits you ki life pehle kaisi thi. Till then, jab chal rahi hoti life nahi samajh mein aata hai. Tab tumko sabko theek hi lag raha hota hai. Because your parents don't let it show to you. I think jo film aati hai, wo director ke nazar se aati hai, and because he's the writer, I think inke life mein bahut zyada struggle kiya hai inhone. Aur abhi bhi struggle karte hai kaafi. But matlab your journey from how you entered YRF at least, no? He just struggles to okay the first two takes. अरे कुछ तो बोल. That is his only struggle. He struggles to okay the first two takes. दस take के अंदर हाँ नहीं बोलते हमें. वो उनका struggle है. Yeah, talking about struggle is a passe. Come on. Hi Sharad. Sorry. Sharuk. अच्छा Sharad. Sharad. अरे मेरे को लगा मुझे Sharad बोला मैं खुश हो गया. एक second. Sharad, how was your experience directing Varun and Anushka, and what process of his direction, both of you? यार मैं मुझे शुरू में बहुत डर लग रहा था दोनों से इस बात पे कि मैंने कभी इतने बड़े स्टार्स के साथ काम नहीं किया, तो मुझे लगा कि यार ये लोग बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे. मैंने जो भी कहानियाँ हम लोग सुनते रहते हैं मूवी स्टार्स की कि ऐसा होगा क्या कि हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तो बट ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी. Then I later realized that they believe too much in me and the script. So, मैं बच गया. Hi Sharad and Manish, my question. This is Urvi here. I'm right to your left. Yeah. Hi. My question is to you both. Dam Laga Ke Hai Sha was your last collaboration together, and that is a national award-winning film. When you all collaborated on Sui Dhaga, was there any pressure of sorts that, you know, you have to come up with something that again the audience is going to give a big thumbs up to? And how was it working again on a second film? आप शुरू करें. नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था. मतलब वो उस फिल्म की अपनी जर्नी थी, इसकी अपनी जर्नी होगी. इतना सोचा नहीं था कि क्या होगा, ये वैसे उससे कंपेयर होगी या कुछ भी, ऐसा नहीं. मतलब हर फिल्म की अपनी आइडेंटिटी होती है, जर्नी होती है. सो मनीष जस्टिन, यू फ्रॉम पीटीआई, इट वाज हियर यू स्ट्रेट. मनीष जी भी बोलेंगे. बिल्कुल ऐसा मत बोलिए. हाँ बताइए. Manish, you worked with Anushka right from the beginning, Band Baja Barat, and here we have with Sui Dhaga. What about Anushka has fundamentally changed over the years, if you can pinpoint to me as a filmmaker? Fundamentally nothing. She has always been a very natural, very gifted actor. She still continues to be one. In fact, I would say, I mean, Rab Ne Bana Di Jodi was her first film in which I was an assistant director. And since then, to Sui Dhaga now, it's been 10 years. Achha, wow. I just realized. This December. This December is going to be a decade for Anushka. So, I mean, to put it simply, I think she is a very honest artist with no baggage of anything else but the performance and the character and the script. That has held true since then. So I'll be very honest with you, it was not a surprise to see like what a fantastic performance as Mamta she has given. I used to message her sometimes and I used to tell her, mujhe main message karne ke liye kar raha hu kyunki batana chahiye ki bada acha kaam ho raha hai.
But I never get surprised with Anushka's performance. I don't know whether it's a right thing to say or a wrong thing to say. But एक होता है ना, हाँ अनुष्का आई है तो यार कमाल ही होगा कुछ, तो वो अभी तक चल रहा है और ममता को देख के भी ऐसे ही लगता है और आई थिंक वो सबको भी ऐसे ही लगेगा अभी. हाय अनुष्का, दिस इज जर्नलिस्ट पूजा सामन. मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी आपने शुरुआत में ही कहा कि आप उतनी कन्विंस नहीं थी इनिशियली इस किरदार को निभाने के लिए, तो किस तरह से आपने इस किरदार को मतलब फील किया, क्योंकि ये स्मॉल टाउन गर्ल है, अब काफ़ी समय से आप अर्बन लाइफस्टाइल में जी रही है, फिल्मों में आ चुकी, तो वो उस किरदार को आपने कैसे मतलब भीतर से फील किया? ये एक्चुअली काफ़ी लंबा प्रोसेस था. द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस वॉज मेंटली टू गेट प्रिपेयर टू प्ले दिस कैरेक्टर, एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स अपने अपने अंदर चीज़ों को निकालना ज़्यादा ज़रूरी था रादर देन कुछ डालना. एंड आई थिंक एज एन एक्टर वो ही करना चाहिए जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं. इट्स नॉट अबाउट एडिंग समथिंग, इट्स अबाउट रिमूविंग समथिंग, बिकॉज आई बिलीव एंड मोर सो आफ्टर दिस फिल्म दैट एन एक्टर कैन प्ले एनी रोल. यू जस्ट हैव टू फाइंड पीपल हु बिलीव इन यू, लाइक हाउ शरद बिलीव्ड इन मी एंड मनीष बिलीव्ड इन मी दैट आई कैन ऑल्सो प्ले दिस, इवन दो आई डिड नॉट बिलीव दैट आई कुड प्ले दिस कैरेक्टर. सो यू नीड दैट बिलीव, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दैट डज नॉट हैपन ऑफन ओवर हियर. पीपल यूजली कास्ट यू हाउ दे अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी टू बी और हाउ दे वॉट कैन ऑफ फिल्म देव सीन ऑफ योर्स. सो वैन अ डायरेक्टर, वैन अ प्रोड्यूसर, दे टेक दैट कैन ऑफ फेथ इन यू एज एन आर्टिस्ट एज इन योर टैलेंट, देन ऑब्वियसली यू टेक दैट एज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट्स द सेम थिंग दैट हैपन विद मीन रब ने बना दी जोड़ी ऑल्सो. आई न्यू दैट आदि मनीष, वेरी फ्यू पीपल वॉन्टेड मी टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म. So when I knew that, and I knew that it was something that was such a huge opportunity for me to prove the people who put faith in me becomes very important. And I do things for very simple reasons actually in life, you know. Someone has faith in me, I want to prove them right. I don't do thinking, मुझे ऐसे करना है, मुझे मैंने एक सेकंड नहीं सोचा था कि मुझे बहुत भयंकर परफॉर्मेंस देनी है, वो मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ. मैं सिंपल चीज़ों के लिए चीज़ें कर लेती हूँ एंड वो हो जाती हैं वो. सो फॉर मी इट वॉज टू प्रूव देयर फेथ इन मी. Removing things inside of me which I already knew can come as a baggage of, you know, in playing Mamta. And then he put us through a very, you know, I would say interesting, created a lot of awareness, that whole process of workshops, which are not really workshops. Workshops is more actually like a, like three of us kind of, you know, broke ice. We got more, yeah, with Atul Mongia. We got really comfortable, all of us, with each other. You know, we discussed our characters. We discussed the scenes. We enacted the scenes before we came on set. Then we came to Chanderi very early before we were going to start filming. That was, I think, a very another masterstroke apart from the workshops with Atul. He got us to come early. We spent a lot of time on set. Varun and me would never leave set. Like we would not like be like, अच्छा एक शॉट दिया और फिर हम चले गए फिर वापस आए. हम पूरा दिन सेट में रहते थे, लंच ब्रेक में वापस जाते थे एंड पैकअप के समय पे वी टू हेड बैक एंड ऑफ कोर्स इफ वी वांटेड टू टेक टॉयलेट ब्रेक्स ऑब्वियसली. बट अदरवाइज लाइक वी वुड जस्ट स्टे ऑन सेट, बी विद एवरीबडी. द अदर एक्टर्स इन द फिल्म एंड सच ब्रिलियंट एक्टर्स इन द फिल्म, रघुवीर यादव जी, यास्मिन जी एंड मैनी मैनी अदर एक्टर्स हु बीन पार्ट ऑफ अ फिल्म, हु आर अ फैमिली इन द फिल्म. वी स्पेंड ऑल दैट टाइम टुगेदर विद ईच अदर एज अ फैमिली, डिस्कसिंग थिंग्स, रीडिंग द स्क्रिप्ट एवरी टाइम, यू नो, जस्ट डूइंग अ ग्रुप रीड. सो इट जस्ट, आई गेस द होल प्रोसेस ऑफ स्टेइंग इन द वर्ल्ड, इफ आई हैव टू से सिंपली, जस्ट स्टेइंग इन द वर्ल्ड ऑफ सुई धागा फॉर वरुण एंड मी, आई थिंक प्रूव्ड एंड बिकेम वेरी ईजी फॉर अस टू, यू नो, डू दिस. ऑफकोर्स स्टेइंग इन द साड़ी, बिकॉज आई डोंट वेयर साड़ीज दैट ऑफन. And even if I do, it's for a different, like a glamorous kind of a sari. This was like a very everyday outfit, you know. So to get comfortable wearing that sari, it changes your walk also. So, you know, I wanted to focus on my body language and make my body language different from what it is as Anushka. So all these little changes, and of course, you know, just the kind of hard task master Sharat is, like he put us, he would tell us sometimes, ki AC gaadi mein mat baitho, bahar ja ke garmi mein khade ho jao and all. But it's his diligence and his like persistence as a director that, well, sometimes it can be like, oh God, also, but you realize that it really does add so much value, you know, to the film. Hi, Anushka, to your center. Yeah, this is Vedita from Vikings. My question is, do you think you have come out of your comfort zone for this role, because this is not a glamorized role like usual? I'm actually never in a comfort zone in life. Like I like to put myself in uncomfortable positions at all times, especially as an actor. I think even when I have done the films that I've done in the past, like a Pari or even you know, Sultan, I have not been in a comfort zone. It's not, they have not been like characters that I have played before or attempted before.
So yes, this was very different because of the submissive nature of this character. By no means am I submissive, but then I realized that even Mamta actually is not. So that discovery that even she's not, and actually she's a very strong girl. So we usually, you know, see characters how, like, very outward, like, oh, she's a feisty girl, so she's like, I'm so feisty. Like, she's like, oh, main to ye bol deti hu, main wo bol deti hu, like that, you know, as a character. But you realize that that's not what it is. Internalizing a performance and understanding that this girl might appear to be very submissive, but actually is too strong. And she's probably, if not as strong, more strong than me, because given the circumstances that she's in, and she still decides to be strong. So that kind of layering that, you know, we decided to do. And when I figured this thing about Mamta, about her backbone being so steady, I guess that kind of became then, you know, like a good point for me to start off from in building this character. So no, I've never enjoyed being in a comfort zone. And this thing about no glamour and all, I think we need to stop talking about these things. Ki makeup nahi lagaya to bahut badi baat ho gayi. It's not a big deal. You're playing a character, makeup nahi lagana to nahi lagaoge makeup. Jis film mein aapko, if you're doing a song and it's like a very, like a song in a film like a Judwa, you should put makeup and you should look, because that's the nature of the film. But you can't be like, ki agar actress ne makeup nahi lagaya to bahut achhi acting hogi. Aise nahi hota hai. Makeup lagane na lagane se you don't do good acting. It's like, it's the characters that you've been given. How much can you make out of those characters? Kitna weightage hai us character ke andar. Yeah. Manish, hi, towards your left. Hi, this is Priyanka from Indian Express. Manish, like how you spoke about Anushka's journey, you know, from especially from Band Baja Barat, when you also directed her. But you know, today she's a much bigger star. So when you are working with an actor again who is now a star, does your approach as a filmmaker, as a producer change when you are talking the script to her or, you know, discussing the film with her? No, not at all. Actually, of course, she's a much bigger star. But in the casting process, when you have a script, you go to an actor who happens to be a star. Even in Varun's case, that was the same thing. You just hope that, you know, you have a connect with the actor slash star and they agree to it. Because it's a very character-based film. It's a film where we all knew that the performance part is going to be something very challenging for whoever ends up doing it. So, I mean, in that sense, it was more about the guy accepting to play Moji and the girl accepting to play Mamta. So, you are just approaching the talent and hoping for the best. And we did get lucky, I guess. So, I mean, Anushka's stardom doesn't come in the way for us or for anybody, I guess. That is not a criteria. Sharad, aapke saamne, Prashant ETV se. जिस तरह से हम इस ट्रेलर में देख रहे हैं रियल लोकेशन, वो भी एक ख़ास तौर पे कैरेक्टर की तरह ही नज़र आ रहे हैं, चाहे हम बात करें चंदेरी की या फिर भोपाल की. तो इन जगहों पे शूट करना, क्या वहाँ के जो लोकल कलाकार हैं वो भी इस फिल्म में नज़र आएंगे, या जिस तरह से असल सिलाई करने वाले लोग हैं वो भी हमें नज़र आएंगे? नहीं, असल सिलाई करने वाले लोग नज़र आएंगे, लेकिन वो प्रोमिनेंस नहीं होगा उनके ऊपर, क्योंकि फिल्म की कहानी कुछ और है. और हाँ, वहाँ पर वो लोकेशन काफ़ी कैरेक्टर ऐड करती है फिल्म के अंदर, और एक जो रियलिज्म, जिसको मतलब रियल चीज़ों को बनाने की कोशिश होती है, उसमें बहुत हेल्प करती है. अक्सर क्या होता है फिल्म में, इवन गरीब कहानी, गरीब लोगों की कहानी भी सेट पे शूट होती है, तो दीवारें पता लगता है कि वो लकड़ी की हैं, तो वो बहुत खटकता है देखते हुए फिल्म. तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक्टर्स को बहुत हेल्प मिलती है व्हेन दे आर, दैट्स व्हाट इज़ माय अंडरस्टैंडिंग, कि जब आप रियल लोकेशन पे खड़े होते हैं तो वो, मतलब वो कमरा छोटा होता है, हम लोगों के लिए मुश्किल होता है शूट करना, लेकिन वो एक एटमोसफेयर वो बहुत हेल्प करता है सब लोगों को इम्बाइब करने में, एंड टू अस ऑल्सो, कि कहीं भी हम गलत नहीं जाते उसमें जब हम सीन फिल्मा रहे होते हैं. एक फैक्ट्री में एक्चुअली हम लोग ने शूट किया था, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में. तो वहाँ के जो लोग थे जो फैक्ट्री में शूट करते थे, दे आर ओनली इन द फिल्म. एक 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 मैनेजर या किसी, ही इज़ इवन इन द फिल्म, शरद ने उनको ही एक्टिंग करा दिया था और बोला था बहुत रियल कर रहा है ना, वो इधर से ही तो काम करता है. अनुष्का जी, अनुष्का, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि एक तो आपको इस फिल्म में पहचानना मुश्किल हो रहा है, और ये बहुत अलग तरह का किरदार है जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज जुड़ी हुई है. क्या इस दौरान, शूटिंग के दौरान, किसी की कहानी या फिल्म में जब आपको नरेशन मिली, तो कोई एक ऐसी बात जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस गई, जो आप शेयर करना चाहें?
आई थिंक ये बात सबके दिल में होपफुली बसेगी जब लोग ये पिक्चर देखेंगे. जो न्यूएंसेस है इस फिल्म के अंदर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इट बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म. ये फिल्म इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ प्लॉट पॉइंट्स ऐसे हैं, वो भी है, बट जो सटल लेयर्स हैं पिक्चर में, जो राइटिंग में है, जो डायरेक्शन में है, जो कैरेक्टराइजेशन में डाली गई है, वो चीज़ें इतनी स्पेशल है कि आप लोगों को एक बहुत ही भयंकर बहुत ही ज़्यादा डीप इंसाइट मिलेगा इनटू मेरी आदत है ना भयंकर बहुत भयंकर भूख लग रही. सो बहुत ही डीप इंसाइट मिलेगा इनटू दीज कैरेक्टर्स, इनटू देयर स्ट्रगल, यू नो, इनटू देयर फेथ डिस्पाइट दैट स्ट्रगल, देयर रिलायंस ऑन वन अनदर, यू नो, relying on one another to get self-reliant, the respect that this couple has for each other, the love that they have for, the love they discover in each other through this process of struggle. And abhi bhi main jab bol rahi hu, mereko goosebumps aa rahe hain, you know, ye bol ke, but it's really like that's something that really stuck with me in the film. And I would be very honest, padhte hue bhi wo tha, but jab wo ho raha tha, jab hum us location mein the, jab hum usko enact kar rahe the, jab हम उस सिचुएशन को समझ रहे थे, उसमें जो फीलिंग आती है, जो दर्द आता है, बट एट द सेम टाइम यू नो इट्स